मैं रात को वॉच की रिकॉर्डिंग कर रहा था कि हम लोग दिखाएंगे कि हम कितने पंक्चुअल और कितने टाइम के ऊपर निकल जाते हैं, 4 बजे निकल के दिखाएंगे। रात को मैंने तन्या को बोला अलार्म लगा दे 3:30 बजे का, पता नहीं कैसे हम लोग 6 बजे जाके उठे। बट हाँ, तब भी हमारे स्पीड देखो 7:07 हुआ है, 1 घंटे के अंदर हम लोग ऑल रेडी हो गए हैं। इवांस के उठने से पहले रेडी होने का टारगेट रहता है। तेरी गाड़ी अंदर गई, एक गाड़ी बाहर एक गाड़ी अंदर, चलो गाड़ी ले लो चाहे जहाज ले लो, हमने ये इतनी बड़ी गाड़ी टेस्ला इसलिए ली और इसमें इतनी जगह है ना कि हमें जगह की कमी ना पड़े। फिर भी हमेशा मेरे साथ तो यही सामान जाता है। तन्या कह रही है लॉन्ग ट्रिप है, मैं पीछे ही बैठूंगी, आगे नहीं बैठूंगी। लेट्स सी, है तनु क्या? पीछे बैठेगी ईवान के साथ? हाँ, बोर होगा मेरे को आगे। मैं तो चल ठीक है, ठीक है, चल करेंगे स्विच। ऑल सेट एंड रेडी। भागते भागते 3 बजे, कितने बजे का टारगेट था तनु हमारा? 5 o'clock। तेरे को अलार्म कितने बजे का लगाने के लिए कहा था? 4 o'clock। मैं 3 o'clock। चलो अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो मैं फाइनल डेस्टिनेशन बाद में बताता हूँ, लेकिन नेक्स्ट स्टॉप है हमारा सोलवांग। सोलवांग बहुत ही अल्टीमेट एक डैनिश टाइप की सिटी स्टैब्लिश कर रखी है, दिखाता हूँ, है ना, लेट्स गो। अभी है टाइम 7:09, तो हम पहुँचेंगे 4 घंटे में, वैसे 3 घंटे के अंदर पहुँचना चाहिए था। हाँ 3:40। हाँ 3:40 इज ऑलमोस्ट 4 आवर जी, बट चलो निकलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। अभी निकले नहीं है और निकलने से पहले ही इसका पेट भरना बहुत जरूरी है भैया। हम लोगों का प्लान तो था कि हम लोग ब्रेकफास्ट सोलवांग के अंदर करेंगे, अभी 4 घंटे हैं, अगर तब तक भूख मैनेज होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर रास्ते में ही कुछ खाना पड़ेगा। नहीं लंच करेंगे सोलवांग में, वो बेकरी है यार। चलो एनीवेज देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। अगर इवान शांत रहा ना तो एक ही स्ट्रेच में खींच दूंगा। ऐसा लग रहा है इसकी बात कितना एकदम ठंडक हो रखी होगी। फोर्थ ऑफ जुलाई का, आज 3rd of July है, कल 4th of July है, लेकिन सबने ही छुट्टी ले रखी है शायद, ऐसा ट्रैफिक मिल रखा है ना, इसीलिए हम लोग जल्दी निकलने का प्लान कर रखा था बट हो नहीं पाया। अभी ऐसे चल रही है चीटी की चाल से गाड़ी, कोई भी कहीं पे भी आ रहा है, कहीं से भी निकल रहा है। ये LA डाउनटाउन है। अच्छा, ये तभी इतना ट्रैफिक है, LA के बाद आई थिंक थोड़ा लाइट होगा ट्रैफिक, पता नहीं यार। तो इन लेन्स के अंदर ट्रैफिक इतना स्लो चल रहा है, सब जाम है, और ये वाली लेन जो है वो उड़ते हुए जा रहे हैं सबके सब, बिकॉज दिस इज HOV लेन। HOV लेन बेसिकली, अगर आपकी गाड़ी के अंदर दो या दो से ज्यादा पैसेंजर बैठे हुए हैं तो आप इस लेन के अंदर गाड़ी चला सकते हो, और हमारे पास तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो अगर एक भी है और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है विच इज EV पास, तो आप इस लेन के अंदर चला सकते हो। अभी इसका एंट्री नहीं मिल रहा है, मैं पीछे वाला मिस कर गया, अभी नहीं घुस सकता इसके अंदर, जैसे ही एंट्री आएगा तो इसके अंदर घुस जाएंगे, तब एक स्पीड के ऊपर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेट लाइन के अंदर उड़ते हुए निकलो। ये वाली ये जो है ना, ये डबल व्हाइट लेन है ना, व्हाइट लाइन लगा रखी है ना, तो इसको अभी क्रॉस नहीं कर सकता, जब वो ऐसे डॉटेड 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 वाली आएगी ना, देन ओनली आई कैन टेक इन। ये आ गया, नाउ आई कैन, ये लोग बाहर जो निकल रहे हैं बाहर आ सकते हैं, जिनको अंदर जाना है वो अंदर जा सकते हैं, एंड आई एम गोइंग इन। वही लिखा हुआ है ना ऊपर 2 or more। ये सब गाड़ियां रुकी हुई हैं और हम इनको क्रॉस करते हुए उड़ते हुए निकलते जा रहे हैं। सो टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग के अंदर क्या होता है कि अगर आपने सेल्फ ड्राइविंग पे डाल रखा है तो आफ्टर एवरी 15-20 seconds आपको स्टेयरिंग के ऊपर अपना हाथ रखना होता है, सो दैट गाड़ी को पता रहे कि यू आर अलर्ट, यू आर लुकिंग टूवर्ड्स द रोड, और आप ऐसा नहीं है कि सो के और पीछे जाके बैठ गए हो, तो अलर्ट रहना पड़ता है। बट मेरे से वो मिस हो गया, लाइक मैंने जिस समय वो अलर्ट आया उस समय मैंने उसको ध्यान नहीं दिया और मैंने तब भी हाथ छोड़ रखे थे, तो उसको पेनल्टी करता है टेस्ला। वैसे तो 5 chances मिलते हैं आपको, 5 times मिलता है, उसके बाद तो फिर बहुत ही लंबे टाइम के लिए आपको डिसेबल कर देता है वो फीचर, लेकिन अभी के लिए क्या किया है उसने, लेट मी शो यू। ये है, अगर मैं इसको सेफ ड्राइव पे डालता हूँ तो
तो ये आ रहा है ऑटो स्टेयर अनअवेलेबल फॉर द रेस्ट ऑफ योर ट्रिप. तो इस ट्रिप के लिए उसने पूरा डिसेबल कर दिया है. उसका एक हैक है कि अब जब हम लोग स्टॉप लेंगे, अभी मैं रुकने को तो कहीं और रुक भी सकता हूँ बट अभी रुकने का पॉइंट नहीं है क्योंकि अब सीधे सोलवांग जाके ही रुकेंगे. तो वहां पे जब रुकूंगा और गाड़ी से एग्जिट करूंगा फिर गाड़ी में एंटर करूंगा तो फिर से चालू हो जाएगा. बिकॉज 5 times नहीं हुआ, एक बार 5 बार हो गया ना, फिर एक हफ्ते तक की या पता नहीं कितने दिन की 10 दिन की पेनल्टी होती है, फिर 10 दिन तक नहीं चलेगा वो फीचर. अब मौसम एकदम ठंडा होना स्टार्ट हो गया है अल्टीमेट, और उसका रीजन ये है कि ये हम सी के, ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है दिस इज ऑल सी, इसके साथ साथ चल रही है. आगे देखो फॉग है ना, और टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रखा है इस समय, 67 हो गया है और हर थोड़ी थोड़ी देर के अंदर एक एक डिग्री नीचे जाए जा रहा है, जाए जा रहा है. इतना फॉग हो रखा है कि उधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सी हाँ कुछ भी नहीं दिख रहा. अभी एक हल्का सा उनको पियर दिख रहा था, वो भी नहीं दिख रहा. And who do we have here? You want to say hi? Say hi. कौन? इस समय टेम्परेचर हो गया है 65. अभी 67 था, हाँ. अब 65 डिग्रीज बना रहा है. मैप कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे ये सी है, ओशन है, और ओशन के साथ साथ ये हमारी सड़क चल रही. दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाईवेज इन यूएसए, हाईवे 1. मतलब लोग जो हैं वो स्पेशली ड्राइव करने के लिए इस रास्ते के ऊपर निकलते हैं कि बिल्कुल ओशन के साथ साथ आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो. गाड़ी रोकी है तो इसमें मैसेज आ रहा है कीप योर हैंड्स ऑन द व्हील एंड रिमेन अटेंटिव एट ऑल टाइम्स. अभी 4 chances और है मेरे पास. ऑटो स्टेयर विल नो लॉन्गर ऑपरेट इफ ऑटो पायलट डिसेबल्स 4 additional times. एक बार का तो हो गया, लेकिन अब ध्यान रखूंगा यार. सेल्फ ड्राइविंग के बिना बड़ी दिक्कत आ जाती है, बड़ी स्ट्रेस पड़ता है, नहीं तो ऐसा लगता है कि कोई और ही गाड़ी चला रहा है और आप आराम से बैठे हुए हो. चलो पहुंच गए हम लोग सोलवांग. ढूंढ कहां पे वो सोलवांग होगा तो इसी तरह से. सोलवांग टॉयलैंड से कुछ लेना है इवान के लिए. हम लोग इसी पे तो जा रहे हैं. हाँ चल बट इनकी दीवार के ऊपर जो है कितना अच्छा अच्छा बना रखा है ना डिजाइन. मिरर की वजह से दिखाई दे रहा है कि ये सच में इतना बड़ा है. कार सीट बोल. यस प्लीज. या ठीक है, थैंक यू. नाम प्रोनाउंस करना इतना मुश्किल है. 3 Danish स्टाइल एबलेस कीवर मे बी शायद ये इनका फेमस है. इसको क्या बोलते हैं इसी से पूछूंगा नाम. हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस? एबल्स कीवर. सो हम लोग क्या ऑर्डर कर रहे हैं? हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं एक 3 Danish स्टाइल एबल स्काइवर विथ आइसक्रीम, क्योंकि हमें आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है. एंड वी विल टेक 1 vegetarian सैंडविच जिसपे टॉपिंग रहेगी सन ड्राइड टमेटोज, रेड पेपर्स, स्लाइस्ड क्यूकम्बर्स और कुछ रेड अनियंस एंड सम ग्रीन्स. ओके,
एंड वी हैव टेकन टू कॉफी जो ऑलरेडी आ गई है. और वो जो जिसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ वो हम क्यों कर रहे हैं, वो यहाँ की स्पेशलिटी है. हाँ, इट्स अ डैनिश स्पेशलिटी. तो सोलवांग इज अ डैनिश टाउन. तो वन ऑफ द डैनिश स्पेशलिटीज इज दिस एबल स्काइवर. तो इट्स बेसिकली आई थिंक जब आएगा तो हम उसको ज़्यादा आई विल ईट एंड टेल यू हाउ इट इज. एंड हम शायद फ्राइज सैंडविचेस के साथ ही आएगी. लेट्स आस्क. अच्छा, साइड्स ऑलरेडी आएंगे उसके साथ. हाँ, तो देयर इज अ चॉइस ऑफ फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो सैलेड और कोल स्लॉ. तो हम क्या ले रहे हैं? फ्राइज. फ्राइज मारन. गुड. या वी आर, शी इज गोना ऑर्डर. या वी टेक 1-3 डैनिश स्टाइल एबल स्काइवर विद आइसक्रीम. यस. एंड 1 वेजिटेरियन सैंडविच. सैंडविच विथ फ्राइज. फ्राइज दे दे इसको. इट्स वेरी हॉट. इसने ब्रेड को टोस्ट भी नहीं किया. ओह यस, स्पाइसी. यू कैन हैव, यू कैन हैव फ्राइज इफ यू वांट टू. मेहमान ये फेंक देगा. तनु पकड़ ले, गरम है. रुक जा, थोड़ी देर रुक जा. इट्स हॉट. या ये क्या चीज़ आई है, इसका नाम बता. एबर स्काइवर. ओ या, आइसक्रीम के साथ आया है. अब जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा, नहीं तो ये मेल्ट हो जाएगा सब कुछ. जरूर. कैसी आइसक्रीम? टेस्टी है सैंडविच. या तो भूख लग रही है बहुत तेज, वो सैंडविच बहुत टेस्टी. तो अपना बता कैसा है? थोड़ा अलग है. अच्छा नहीं लग रहा? This is literally a pancake in a round shape. जो इसका jam है ना, I'm not a very big fan. नहीं अच्छा. Jam थोड़ा strong है. जितना हाई पे उतना अच्छा नहीं है. हाँ, बहुत अच्छी है. हैं? सैंडविच टेस्टी है ना? मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, किस चीज़ से रिलेट करूँ, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. जबकि मेरे को स्वीट चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है. पता है क्या है, अंदर से तो ओवरऑल ऐसा है, इसकी केक नहीं रहता, थोड़ा सा ड्राई केक. नॉट इवन पैन केक, बट एक ड्राई केक नहीं होता वैसा, ड्राई केक है. बट उसका जो कॉम्बिनेशन है विद दिस सॉस, स्ट्रॉबेरी सॉस एंड आइसक्रीम, वो उसको मॉइस्ट कर दे रहा है. इसलिए आइसक्रीम इज इंपॉर्टेंट. हाँ, आइसक्रीम भी और वो सॉस भी, स्ट्रॉबेरी सॉस भी, तो उसके साथ मिलके ना अच्छा लग रहा है. और कम स्वीट है तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे को ज़्यादा स्वीट नहीं अच्छा लगता. तो आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी है. आइसक्रीम बहुत अच्छी. इंडिया के अंदर बहुत पहले आइसक्रीम आती थी, अब भी आती होगी, लेकिन वो जो इंडिया की आइसक्रीम का फ्लेवर होता है ना, अमूल वनीला, वैसा सा टेस्ट आ रहा है. यहाँ पे नहीं मिलता वैसा, तो इसलिए वो और थोड़ा नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा है. अभी तो ये कम अच्छा लग रहा था, ज़्यादा अच्छा लग रहा होता तो क्या होता. बट एम्बियंस इतना सुंदर है ना, इतना काम, इतना शांत. मतलब वही है ना, स्मॉल टाउन की जो फील आती है ना इन रेस्टोरेंट्स के अंदर, ऐसी सिटीज के अंदर ना, बहुत मज़ा आता है. हमको तो बहुत मज़ा आता है ऐसी जगह पर, है ना. देख कितनी अच्छी शॉप है हार्ट की. डैनिश मिल्स बेकरी. ओ वाह, इवान को दिखा. इवान इज दैट बनी रैबिट. लुक एट द फॉर्म.
डैनिश मिल्स बेकरी वो बुक के अंदर पूरा घुसा हुआ है. अभी पेट भरा हुआ है तो इसलिए अंदर जाने का मन नहीं किया, नहीं तो चले जाते. किड्स क्लब अट्रैक्शन बना दिया है ना, तो एलए के आसपास कैलिफोर्निया के जितने भी आसपास की सिटीज के लोग हैं वो सब घूमने के लिए आते हैं, तो इसलिए खाने पीने के ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं. चॉकलेट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं. हाँ, डैनिश चॉकलेट्स तो वैसे ही फेमस हैं. ये आइकॉनिक है इनका, बड़ा फेमस विंड मिल. अब बस उठाएंगे एक ठंडी ठार कॉफी एंड देन वील हिट द रोड. नहीं, नहीं, आई फील लाइक हैविंग अ कॉफी. मेरे को ड्राइव करनी है. क्या है? डैंच बेजरी, आई डोंट नो. ठीक है, चलो. एनीवेज, लेट्स गेट इन. कैसी? पुराने जमाने की. क्या चीज़ फेमस है? क्रीम पफ. अच्छा, तो एक क्रीम पफ ले लेते. हाँ, एक छोटे वाला ले लें. प्लेन लेगी ना? थैंक यू. सो वी आर टेकिंग वन ऑफ दीज एंड देन ये स्क्वायर्स. भाई साहब, ऐसा लेमनेड ना जिंदगी में नहीं पिया होगा. इतना टेस्टी लेमनेड है. नहीं तो यूजुअली मैं लेमनेड कई बार स्किप कर देता हूँ कोक के बदले. बहुत ही टेस्टी. और इस गर्मी में तो ऐसे सांस में सांस आ रही है पी के. मैंने गल्ती की कॉफ़ी लेके, लेकिन कॉफ़ी मैंने इसलिए ली क्योंकि मुझे ड्राइव करना है, नहीं तो नींद आती है. बट लेमनेड इज ऑसम. ये वाला पफ कैसा है? आई मीन क्रीम बहुत अच्छी है, बड़े ब्रेड की है. वो टार्ट एकदम वो रहता है, ड्राई सा रहता है वो. हाँ, कोई dry. हाँ, वो ड्राई ही रहता है. हाँ, ऐसा सा लगता है जैसे कि कलकत्ता के अंदर वो जो सौंदेश मिलता है ना, वो सौंदेश भी ऐसा ड्राई सा रहता है ना. इनके सारे ड्राई है. हाँ, they pair it up with cream and with ऐसे jam and all that. हाँ, तो वो उसके बाद मॉइस्ट करने के लिए, उसको गुई करने के लिए ना, तभी खाए. तो दो साइज में अवेलेबल था, एक इससे भी बड़ा था. हमने थोड़ा सा छोटा लिया और अच्छा किया नहीं लिया. अपना अपना टेस्ट है यार, लेकिन ना तो तन्या को ज़्यादा पसंद आया ना मुझे. क्रीम अच्छी है, लेकिन सिर्फ क्रीम थोड़ी चाट लेंगे. लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, अजीब सा लग रहा है ना, फेंक ही रही है. स्क्वायर शायद अच्छा है, जो कि हमारे लड़के को पसंद आ रहा है. ये चेपने में लगा हुआ है और अब तक नहीं फेंका है, तो इसका मतलब है वो. चलो अब निकलते हैं, लेट्स गो. बस अब रोड हिट करते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे डेस्टिनेशन में पहुँचते पहुँचते. हैमलेट स्क्वायर, ये भी एक विंड मिल था. In 500 feet. हम लोग जब आए तब उस समय मौसम बहुत अच्छा था. जब तक हम लोग रुके रहे तब तक के लिए गर्मी ज़्यादा नहीं हो गई है, उसके बाद से ज़्यादा हो गई. और ये मेरी सोलवांग की टी शर्ट
जो मैंने अभी ली है। मतलब जैसा जाते हुए लग रहा था वैसे ही वापस जाते हुए लग रहा है, आते हुए लग रहा था वैसे ही वापस जाते हुए लग रहा है। इतना सुंदर है ना ये व्यू और ये रोड जो है, आई मीन होटल में आ गया। अभी खाता हूँ,